मेरे प्यारे बच्चों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और अपने बच्चों को सभी को आशीर्वाद देता हूं कि अपने जीवन में वो तरक्की करें और परिश्रम करके कुछ ऐसा अचीव करें जो वाकई में इस दुनिया में एक उदाहरण बने। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के लिए आपके सामने आए हैं वो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री है क्या केमिस्ट्री? अक्सर देखा गया है कि जब हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम लोग टॉपिक ही शुरू करते हैं केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री के नाम से। एक इजिप्ट यानी कि मिस्र की मिट्टी काली थी, वहां की मिट्टी को कीमिया एक शब्द दिया गया था, कीमिया वर्ड दिया गया था, और इसी कीमिया वर्ड को हम लोग एक्सप्लेन करके शुरुआत कर देते हैं केमिस्ट्री के। लेकिन आज तक हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि केमिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितने पुराने हमारे वेद हैं। जितनी पुराने हमारे वेद और पुराण हैं उतनी ही पुरानी हमारी केमिस्ट्री है, ये आज तक हम बच्चों को बताने की जहमत नहीं करते। हम तो केवल वही ज्ञान देना चाहते हैं जो किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन किताबों में कुछ और भी लिखा हुआ है, उस ज्ञान को भी अपने बच्चों के साथ में शेयर करना चाहता हूं कि आखिरकार इंडियन हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री वर्ड तो सब जानते हैं, लेकिन एक रसायन वर्ड भी है जो आप जानते तो हैं लेकिन कभी आपने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं सुना है। तो आज इजिप्ट की मिट्टी से नहीं केमिस्ट्री शुरू करेंगे, आज हम अपने वेदों से केमिस्ट्री शुरू करेंगे कि हमारी केमिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितने हमारे पुराने वेद हैं। उस समय जिस समय वेद थे, केमिस्ट्री का जन्म उसी समय हुआ था। अब ये जो केमिस्ट्री का जन्म हुआ था, इसमें जो हमारे ऋषि मुनि थे, वैज्ञानिक प्रवृत्ति जो रखते थे, वैज्ञानिक एक तरीके से हम ये कह सकते हैं वो हमारे लिए वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक माने थे, उन्होंने हमारी केमिस्ट्री को कैसे बताया, उन्होंने इसे रसतंत्र के नाम से एक्सप्लेन किया, जिसे आप लोग आज रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। अगर आप पुराने वेदों में, अगर आप रामचरितमानस में भी एक चौपाई उठा करके देखेंगे तो उसके अंदर भी एक लाइन आई है, छित जल पावक गगन समीरा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना सरीरा। यानी ऐसे भी कह सकते हैं, छित जल ऐसे जो एक्चुअल लिखा हुआ है वो भी बता दूं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम सरीरा, ये भी लिखा हुआ है। तो ये आखिरकार ये सेंटेंस क्या, साइंस का क्या इंडिकेशन देना चाहता है, क्या बताना चाहता है ये सेंटेंस ये बताना चाहता है कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, ये पांच तत्वों से मिलके बना हुआ है। यानी कि जानकारी पहले थी कि मैटर बनने में इतनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, मैटर का कंपोजिशन क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब है कि मैटर क्या है ये तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैटर का एक्सप्लेनेशन पहले ही आ चुका था कि मैटर है क्या। यानी कि हमारी अर्थ, यानी छित जल पावक गगन समीरा जो वर्ड आया है ना, इसमें हमारी वायु, गगन स्काई यानी आसमान को भी इन्वॉल्व किया, स्काई को भी इन्वॉल्व किया, फायर यानी कि पावक आग यानी अग्नि को भी इन्वॉल्व किया गया है, यानी पृथ्वी को भी इन्वॉल्व किया गया है, वाटर वायु यानी कि वाटर यानी जल को इन्वॉल्व किया गया। तो पांच ऐसे एलिमेंट हैं जो बताए गए थे उसी समय जिस समय हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे वेदों में भी ये बताया गया है कि ये जो तत्व हैं, जैसे आयरन की बात करें, कॉपर की बात करें, गोल्ड की बात करें, टिन की बात करें, लेड की बात करें, ये तत्वों का जो डिटेल है वो आपको यजुर्वेद, अथर्ववेद में भी मिल जाएगी। आयरन को एस के नाम से जाना था, गोल्ड को हिरण्य के नाम से जाना था, कॉपर को श्याम के नाम से जाना था, लेड को सीस के नाम से जाना था, टिन को रिपु के नाम से जाना था, स्टोन को अस्मित के नाम से जाना था, और क्ले को मृतिका के नाम से जाना था, सैंड को सिकता के नाम से जाना था, ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है।
अगर आप नोट अगर आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए, मिलेगा आपको ये। तो ये वर्ड इसका मतलब है वेदों में इन तत्वों की डिस्कवरी हो चुकी थी, यानी कि मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड, इनकी जानकारी उस समय थी। यह है हमारी इंडियन केमिस्ट्री, यानी कि ये हिस्ट्री है इंडियन केमिस्ट्री की जो आज हम नहीं पढ़ते हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर है, उस चैप्टर में अगर आप इंडिकेशन लेंगे तो हम केमिस्ट्री जानने से पहले थोड़ी जाने तो क्या आखिरकार हम भारतीय हैं तो क्यों हैं। भारतीय होने का कुछ तो हमें ऐसा इंडिकेशन देना पड़ेगा कि वाकई में भारत का कहीं इन्वॉल्वमेंट था केमिस्ट्री का। हम तो सिर्फ वही जॉन डाल्टन से शुरुआत कर देते हैं, बच्चों को भी वहीं से पढ़ा देते, तो मैंने सोचा अपने बच्चों को क्यों ना मैं आज एक ऐसी बात बताऊं जो हमारे भारतीय होने पर हमें गर्व महसूस होगा। तो आज से आप ध्यान रखेंगे कि केमिस्ट्री जो वर्ड है ये रसायन, राम रसायन सुनबे को रसिया, आपने सुना होगा, यानी रसायन वर्ड जो इंडिकेशन दे रहा है इसका मतलब है इस वर्ड की जानकारी, केमिस्ट्री की जानकारी हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे जो साइंटिस्ट थे ऋषि मुनि के रूप में, उन्होंने ही केमिस्ट्री को एक्सप्लेन किया था। मैंने भी आपको बताया कि बहुत सारे एलिमेंट जैसे आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, टिन है, लेड है, क्ले स्टोन, इन सबको हमारे वेदों में भी एक्सप्लेन किया गया है। जॉन डाल्टन ने तो 1803 में थ्योरी दी थी एटॉमिक थ्योरी, जानते हैं आप, पढ़ी होगी, यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने की। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि लगभग 500 BC में के दौरान आचार्य कणाद ने भी एक थ्योरी प्रपोज की थी, उनके वैशेषिक का जो जो उन्होंने किताब लिखी है, जो क्लासिक उनका पब्लिश हुआ था, उसमें लिखा हुआ है परमाणुवाद की थ्योरी। आप गूगल पे डाल के सर्च करिए, इंटरनेट पे सर्च करिएगा, आपको मिलेगा कि आचार्य कणाद की थ्योरी क्या थी। आचार्य कणाद की थ्योरी एटॉमिक थ्योरी ही थी, लेकिन उन्होंने उस समय उसे परमाणुवाद के नाम से एक्सप्लेनेशन दिया था, यानी कि एटॉमिक थ्योरी को उन्होंने परमाणु, परम अणु यानी गॉड पार्टिकल जिसे आप परमाणु बोलते हैं, ये आचार्य कणाद ने ही बताया था उस समय। जिसको आज हम एटम, डाल्टन ने जिसको एटम बताया वो आचार्य कणाद ऑलरेडी पहले बता चुके थे। ये है हमारी इंडियन केमिस्ट्री जिसको छुपा के रखा जाता है, जिसको बताने की जहमत नहीं उठाते हम लोग, वही चीज मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। पढ़ें, हम सब पढ़ें, लेकिन कम से कम अपने भारतीय होने का कर्तव्य तो निभाएं कि हमें कुछ जानकारी तो रहे कि आखिरकार केमिस्ट्री में भारतीयों का योगदान कोई था या नहीं था। तो आज उन सभी भारतीयों को मैं सलाम करता हूं कि वाकई में जो हमारी केमिस्ट्री है वो हमारी इंडिया से ही जनरेट हुई है। जॉन डाल्टन की थ्योरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ये सब बाद में पढ़ा हमने, लेकिन एटम और मॉलिक्यूल की जानकारी तो आचार्य कणाद ने दी ही थी इन 500 BC में। इन्होंने परमाणु और अणु को भी बताया, इन्होंने परमाणु और अणु को भी एक्सप्लेन किया, इन्होंने पंचभूत यानी पांच तत्व क्या होते हैं इसको भी एक्सप्लेन किया। अगर आप देखें तो पंचभूत के नाम से इन्होंने बताया, जैसे छित जल पावक गगन समीरा जो वर्ड मैंने यूज किया है इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन इन जो थ्योरीज थी ये सभी थ्योरी संस्कृत या नेचुरल लैंग्वेज में लिखी गई थी, इसलिए इनका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा हम तक नहीं पहुंच पाया, या ऐसे कहें कि इनका एक्सप्लेनेशन हम अच्छे से समझ नहीं पाए, क्योंकि टिपिकल लैंग्वेज में थे। आज हम लोग इंग्लिश हिंदी में आसानी से कोई चीज को समझ लेते हैं, तो वही चीज है कि आचार्य कणाद ने जितनी भी थ्योरी दी, जितना भी उन्होंने मैटर प्रपोज किया, वो सभी मैटर संस्कृत या नेचुरल लैंग्वेज में था, इसीलिए उसको आगे वो आगे समझने में हम लोग उसे समझ नहीं पाए कायदे से। और जब ये थ्योरी आई, इस थ्योरी में आपको एक चीज एक वर्ड में आपको और बता दूं कि ये सब चीजें देने के बाद
हमें जब टाइम आया 350 से लेकर के 1500 एडी के बीच का, तो 300 से 1500 एडी के बीच जब साइंटिस्ट थे, जो हमारे पुराने साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चीज ढूंढने की कोशिश की जो हमें इमोर्टल बनाना चाहता था। नेक्टर, एक टर्म यूज किया था नेक्टर। वो नेक्टर की डिस्कवरी में लग गए। नेक्टर एक ऐसा केमिकल ढूंढना चाहते थे जो इंसान के अंदर यंगनेस को मेंटेन रखे और उसे अमरत्व प्रदान करे, मतलब इंसान की डेथ ना हो। इसके पीछे साइंटिस्ट पड़े थे, ऋषि मुनि हमारे पड़े हुए थे। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि आप उन साइंटिस्ट को जानते होंगे, उनका नाम सुना होगा, जैसे चरक का नाम आपने सुना होगा, नागार्जुन का नाम आपने सुना होगा, कौटिल्य का नाम आपने सुना होगा, सुश्रुत का नाम आपने सुना होगा, भागवत का नाम आपने सुना होगा। ये सब वो ऋषि मुनि थे जो वाकई में केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का एक बहुत बड़ा ज्ञान रखा करते थे। तो इनकी लैंग्वेज, मैंने बताया ना, इनकी लैंग्वेज जो थी वो वही थी, नेचुरल लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज थी, इसीलिए हमारे समझने में थोड़ी दिक्कत आने लगी। तो उसको और दूसरे वैज्ञानिकों ने उसी चीज को एक्सप्लेन किया। लेकिन ये जो अभी मैंने टर्म बोला नेक्टर, ये नेक्टर वर्ड ऐसा केमिकल डिस्कवर करने में लगे थे उस समय ऋषि मुनि साइंटिस्ट, 350 से 1500 एडी के बीच की बात है ये। उस समय हुआ ये कि ये ढूंढ रहे थे कि इंसान कैसे यंग रहे और कैसे इमोर्टल हो जाए। ये एक हाइपोथेटिकल सीरप था, सोचा हुआ था, केवल डिस्कवर नहीं हो पाया था उस समय। और एक इन्होंने फिलोसफर्स ऑफ स्टोन ढूंढा, यानी कि ऐसा फिलोसफर्स स्टोन, एक ऐसा पत्थर बनाने की कोशिश में लगे थे जो मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। लेकिन ढूंढते ढूंढते इन्होंने बहुत समय गवाया अपना, लेकिन डिस्कवरी नहीं हो पाई। इंडिकेशन दे के चले गए ये वैज्ञानिक, ऋषि मुनि हमारे लिए इंडिकेशन दे के चले गए, बता के चले गए, रास्ता दे के चले गए कि आखिरकार इसके आगे की थ्योरीज क्या होंगी। एक डायरेक्शन बना गए, जैसे कि आज आप कहीं जाते हैं, जहां पगडंडियां थी वहां सड़कें बन गई हैं। ये सिर्फ ये था कि पुराने लोगों ने हमें पगडंडियां बना करके दी थी, हमने उन्हीं को रोड में कन्वर्ट कर दिया। वही चीज थी कि ये ऋषि मुनि जो हमारे थे, इन्होंने रसायन को, रस तंत्र को, रसायन शास्त्र को एक चिंगारी दे दी थी। वही चिंगारी आज आग बन करके हमारी केमिस्ट्री के फॉर्म में हम तक पहुंच रही है। यानी कहने का तात्पर्य है कि उस चिंगारी ने ही केमिस्ट्री का जन्म कर दिया था। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि यही दो नेक्टर और फिलोसफर्स स्टोन ही केमिस्ट्री का बेस बने। यहीं से साइंटिस्ट के अंदर एक भावना जनरेट हुई, जहां से डिस्कवरी शुरू हो गई। अब बात कर लेते हैं 1500 एडी के बाद, यानी 1500 से 1600 एडी के बीच की अगर हम बात करते हैं, तो लेट्रो केमिस्ट्री पीरियड बोला गया है इसको। लेट्रो केमिस्ट्री पीरियड की अगर हम बात करते हैं, तो लेट्रो केमिस्ट्री पीरियड में जो बातें सामने आई वो ये थी कि गैसेस की जानकारी दी। रॉबर्ट बॉयल ने, आपने बॉयल से जो लॉ पढ़ते हैं, अब हम लोग मॉडर्न केमिस्ट्री की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हमने आपको इंडियन केमिस्ट्री क्या है, कहां से जनरेट हुआ ये रसायन वर्ड, इसको बताते हुए आपको मॉडर्न केमिस्ट्री तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जैसे ही ये 1600 वाला जो टाइम चला है, इस 1600 एडी में रॉबर्ट बॉयल ने, 1600 एडी में रॉबर्ट बॉयल आए और रॉबर्ट बॉयल ने गैसेस की जानकारी दी। तो इस पीरियड को भी एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। उस पर्टिकुलर नाम में अगर हम देखेंगे तो उसे नाम दिया लेट्रो केमिस्ट्री पीरियड नाम दिया गया है। लेट्रो केमिस्ट्री पीरियड एक ऐसा समय था जो, जिस समय गैसेस को एक्सप्लेन खूब किया गया था। रॉबर्ट बॉयल की कंडीशन भी, रॉबर्ट बॉयल भी उसी समय की एक्सप्लेनेशन देते, यानी कि रॉबर्ट बॉयल्स लॉ भी आया है, अगर आप ऐसे कहें। एक बात, दूसरी बात आपको बताऊं, जब 1660 से लेकर के 1774 के बीच के टाइम को जो बोला गया है वो फ्लोजिस्टन पीरियड बोला गया है। फ्लोजिस्टन पीरियड एक ऐसा टाइम था जिस समय बहुत सारी डिस्कवरी गैसेस के बारे में, बहुत एक्सप्लेनेशन आना शुरू हुए थे। तो उसी समय के एज के बाद ही केमिस्ट्री का रुख बदल गया। जैसे ही 1774 पार हुआ, यानी कि जब हम 1800 में पहुंचने लगे,
तब शुरुआत हुई केमिस्ट्री की। यानी जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी 1803 में दी है, 1803 से 1805 के बीच में आई है जॉन डाल्टन की थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी आई है, वो थ्योरी आचार्य कणाद की ही थ्योरी थी और उसी थ्योरी को जॉन डाल्टन ने एक्सप्लेन कर दिया पूरी तरीके से और पूरा श्रेय लेके चले गए। यहां मैं सिर्फ और सिर्फ आपको किसी भी वैज्ञानिक को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी भारतीय संस्कृति की जो केमिस्ट्री है उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। बस क्या है, इंडियन हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, इतनी जानकारी देना चाहता हूं। तो 1803 से 1805, 1803 से 1805 के बीच में जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी प्रपोज की, जिसको एटॉमिक थ्योरी के नाम से बोला गया है। और यही इन्हीं ने एटम जो नाम दिया है वो जॉन डाल्टन ने ही दिया था। एटम, एटम का नाम एटम क्यों था? इंडिविजिबल पार्टिकल, ए मींस नो, टॉम मींस डिविजन, जिसके हिस्से ना हो सके, जिसको डिवाइड ना किया जा सके, उसे एटम बोला। ये बात जॉन डाल्टन ने बताई थी। अब जॉन डाल्टन की थ्योरी के बाद जब हम आगे बढ़े तो 1869 में जब पहुंचे तो हमें मेंडलीव साहब ने पीरियोडिक टेबल के बारे एलिमेंट्स का एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया। मैं कुछ गूढ़ तत्व जो हैं जो मेरी जानकारी में है, मेरे गुरु लोगों ने मुझे बताए थे, तो मेरा भी मन हुआ आज गुरु पूर्णिमा है तो आपको कुछ ऐसा केमिस्ट्री का ज्ञान दे दूँ जो वाकई में हमारी इंडियन केमिस्ट्री को इंडिकेट करता हो। तो 1869 में मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दे दी और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट पर लगाया गया, यहीं पर मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ भी आया था। अगर हम 1881 की बात करें तो 1881 में आर्हेनियस की थ्योरी आई थी, आयनाइजेशन थ्योरी ऑफ, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। तो हम लोग 1886 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्ड का श्रेय गोल्डस्टीन को जाता है, लेकिन जो प्रोटॉन नाम है ये रदरफोर्ड ने दिया था। इसलिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन बना रहा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन बना रहता है कि आखिरकार प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की। तो बच्चे अक्सर ये लिख के आ जाते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की। प्रोटॉन गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का जो डिस्कवरी का जो श्रेय है वो गोल्डस्टीन को जाता है, लेकिन नाम प्रोटॉन दिया है रदरफोर्ड ने, ये जहां तक मुझे जानकारी है। और उसी के बाद बात आई 1896 में। 1896 में जो डिटेल जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करके दी, बाय डिस्चार्जिंग ट्यूब एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, और 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक साहब ने दी थी। तो ये सभी डिस्कवरी जो हुई, इनका जो पाथ हुआ, और आखिर में आप देखते हैं मॉडर्न जो थ्योरी है वो मॉडर्न थ्योरी ऑफ केमिस्ट्री 1774 के बाद का जो टाइम था वो 1774 के बाद का टाइम मॉडर्न केमिस्ट्री का टाइम था। उस वहीं से केमिस्ट्री का विकास हुआ, वहीं से रसायन विज्ञान का विकास हुआ। उस विकास में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन डिस्कवर की थी 1774 में, और उसको कंफर्म कर दिया था लेवाइजर ने, इसीलिए लेवाइजर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी बोला जाता है। यानी कि पीरियोडिक टेबल की जो डिटेल वो मेंडलीफ ने दी थी, यानी पीरियोडिक टेबल का अगर फादर बोला जाए तो मेंडलीफ को ही बोलना है, क्योंकि उन्होंने ही बहुत सारे एलिमेंट का जो पीरियोडिक टेबल का पैटर्न था वो मेन मेंडलीफ से ही आया था। बाकी और भी साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन जो सबसे अच्छी डिटेल जहां से शुरुआत हुई, हालांकि उसमें बहुत फॉल्ट हैं, लेकिन उसके बाद जो शुरुआत हुई थी, रास्ता मैंने बताया ना, रास्ता जो दिया था वो मेंडलीफ ने ही पीरियोडिक टेबल का बढ़िया वाला दिया था। अब आपको बताया कि इसी के बाद 1913 में मोजले ने पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे आप पढ़ते हैं, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 में
वो दी थी मोसले ने। उसके बाद आप बोहर की पीरियड टेबल आज पढ़ते हैं, जिसे लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल बोलते हैं हम लोग, वो मॉडर्न पीरियड टेबल में ही चेंजेस करके बनाई गई थी। अब मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जो 20th सेंचुरी है, 20वीं, ये 20th सेंचुरी में केमिस्ट्री का नया जन्म हुआ, यानी यहीं से केमिस्ट्री का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, केमिस्ट्री का विकास होना शुरू हुआ। क्या है सिग्निफिकेंस केमिस्ट्री की, जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की? अगर हम ये बात कह दें तो बिल्कुल झूठी नहीं होगी कि विदाउट केमिस्ट्री देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लग्जरियस लाइफ। जो आप अच्छी लाइफ अपनी बिता रहे हैं, ये एक केमिस्ट्री के बिना संभव नहीं है। आप जितनी लग्जरियस चीजें यूज कर रहे हैं, अच्छे कपड़े यूज कर रहे हैं, अच्छा केमिकल चेहरे को सही करने के लिए यूज कर रहे हैं, टूथपेस्ट करते हैं, ये सब केमिकल्स हैं। अगर हम ये कहें कि हमारे दिन की शुरुआत भी केमिस्ट्री से होती है और दिन का अंत यानी कि सोते हैं जब बिस्तर पे जाते हैं तब भी केमिस्ट्री से ही होती है, यानी कहने का मतलब जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले टूथपेस्ट अपने मुंह में लगाते हैं और जब सोते हैं तो दूध पी के सोते हैं, यानी कि दूध भी एक केमिकल है, वो नेचुरल है, अलग चीज है, एक प्रकार का विटामिन से भरा हुआ केमिकल ही है, नेचुरल है, ये श्योर है, लेकिन है तो एक कैसीन प्रोटीन कंटेनिंग सब्सटेंस तो ही है। तो केमिस्ट्री चाहे वो नेचुरल सब्सटेंसेस हमें दें कि नेचुरल सब्सटेंसेस की पढ़ें या सिंथेटिक की पढ़ें, लेकिन ये पक्का है कि केमिस्ट्री हमारी जीवन में आज एक अच्छा रोल प्ले कर रही है। यानी कि हम लगातार नई नई डिस्कवरी करते हैं, नई नई दवाइयां खोजते हैं, नई चीजें, तो ये सब हमारी केमिस्ट्री को इंडिकेट करती हैं कि आखिरकार केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट। बीमारी सही करने में हम लोग दवाइयों की खोज में लगे हुए हैं, दवाइयां जहां डिस्कवर हो रही, तो क्या है, ये भी एक रसायन विज्ञान है। तो मैंने आज आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि आखिरकार रोल क्या है केमिस्ट्री का, रोल आपके जीवन में आपको दिख ही रहा है। मैंने एक सेंटेंस में पूरी बात कह दी अपनी कि विदाउट केमिस्ट्री देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लग्जरियस लाइफ। लाइफ तो जिएंगे, लेकिन जो लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हैं, क्रीम पाउडर है ना, ये सब लगाते हैं बालों में, जेल लगाते हैं बालों में, तेल लगाते हैं बालों में, डाई लगाते हैं, है ना, चेहरे को आप ब्लीच करते हैं, ये सब केमिकल्स ही हैं। तो ये सब केमिकल्स हमारी लग्जरियस लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये सब लग्जरियस लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। लाइफ सेविंग एजेंट्स को हम ड्रग्स बोलते हैं, मेडिसिंस बोलते हैं। जो लाइफ सेविंग एजेंट्स हैं, टैक्सोल का नाम आपने सुना होगा, है ना, AZT का नाम आपने सुना होगा, आपने सिस्प्लेटिन का नाम सुना होगा, ये सब वो दवाइयां हैं जो हमारी लाइफ सेविंग एजेंट्स के नाम से जानी जाती हैं, जिनसे हमारा जीवन बचता है। तो केमिस्ट्री का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है, लेकिन आज इस छोटे से इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। हमारी केमिस्ट्री का जन्म, हमारे केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र, रसायन तंत्र देने वाले लोग, देने वाले वैज्ञानिक ऋषि मुनि ही थे, ये मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। मैं केवल मिस्र की, इजिप्ट की, मिस्र यानी इजिप्ट की काली मिट्टी से ही केमिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहता हूं, मैं अपने भारत की मिट्टी से भी केमिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन करना जानता हूं। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं, मुझे गर्व है कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं वो भी मेरी भारतीयों की ही देन है। जय हिंद, जय भारत।